अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, कुछ लोग वक्त के साथ साथ मैच्योर होते हैं ज़िंदगी में। धक्के खा खा के वक्त उनको बहुत कुछ सिखा देता है, और कुछ लोग गॉड गिफ्टेड मैच्योर होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे इतने माशाल्लाह तेज़ होते हैं, कोई बात ऐसी करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं, उनकी आदतें देख के, उनके काम देख के हम खुद हैरान रह जाते हैं कि यार वाह माशाल्लाह कितना बच्चा मैच्योर है। तो कुछ लोग तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो बड़े होकर भी मैच्योर बनते हैं फिर। और तीसरे नंबर पे कुछ लोग दूसरे लोगों से सीख सीख के मैच्योर हो जाते हैं। जो लोग मैच्योर हैं उनसे सीखते हैं कि यार इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो हम अपने अंदर पैदा कर लें तो हम भी मैच्योर हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दूसरे लोगों की, यानी कि जो मैच्योर लोग हैं, उनकी 5 ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने अंदर पैदा कर लेते हैं तो आप भी मैच्योर हो जाएंगे। तो सिर्फ मैं आपको क्वालिटीज़ नहीं बताऊँगा, मैं आपको इमैच्योर लोगों की आदतें भी बताऊँगा। अगर आप उन आदतों को देखेंगे और मैच्योर लोगों की क्वालिटी को देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा कि आपको अपने अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पैदा करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, पहले नंबर पे इमैच्योर लोग लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं। अगर उनको कोई कह दे कोई छोटी सी भी बात, उसको दिल पे ले लेंगे, रोने लग जाएंगे, सारा दिन सारी रात उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, अंदर ही अंदर उस बात को उल्टा डालते रहेंगे और कहते रहेंगे कि इस इंसान से मैंने बदला लेना है, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसकी ऐसी की तैसी से बदला लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। यानी कि बस अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कभी मूड बना लेते हैं, उससे नाराज़ हो जाते हैं। ये इमैच्योर लोगों की आदतें होती हैं। और जो मैच्योर लोग होते हैं, लोगों की छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, कहते हैं यार बच्चा है, इसको अक्ल ही नहीं, इसने कह दिया तो क्या हुआ। वो बस अपने काम पर ध्यान करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनको लोगों की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता होता है कि लोग तो बातें करते ही रहेंगे, लोगों का मुँह हम बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, दूसरे नंबर पर इमैच्योर लोग दूसरों की बात को टोकते हैं। यानी कि अगर कोई बात कर रहा है उसकी बात को अहमियत नहीं देंगे, अपनी आगे से कोई ना कोई शुरू कर देंगे। जो मैच्योर लोग हैं वो दूसरों की बातों को टोकते नहीं हैं, चाहे बंदा अमीर है, गरीब है, बच्चा है, बड़ा है, जैसा भी उनके सामने बैठा जो बात कर रहा है उसकी बात को अहमियत देते हैं, उसकी बात को पूरा सुनते हैं, फिर अपनी बात करते हैं। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए तो इमैच्योर लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो मार गे लूट गए अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबराए रहते हैं। और जो मैच्योर लोग होते हैं उनको पता होता है कि लाइफ में उतार और चढ़ाव चलता रहता है, कभी प्रॉब्लम आती है, कभी खुशी, कभी बहुत अच्छा वक्त होता है, कभी बुरा वक्त आ जाता है, तो इस बात की वो टेंशन नहीं लेते। अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो बड़े ठंडे दिमाग के साथ उस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। और दोस्तों, चौथे नंबर पर जो इमैच्योर लोग हैं वो खुद को स्याना समझते हैं और दूसरे बंदे को बेवकूफ़ समझते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जो बंदा खुद को स्याना समझता है और दूसरे बंदे को बेवकूफ़ समझता है वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। और मैच्योर लोग खुद सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं, चाहे बच्चा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, चौकीदार है, एम्प्लॉय है या कंपनी का मालिक है, वो सबसे सीखते रहते हैं। ठीक है, उनको हर जगह से बस सीखने की होती है कि यार सीखो। उनको पता होता है कि जब हम सीखना बंद कर देंगे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और हम नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। वो सबकी बात को अहमियत देते हैं, सबकी सुनते हैं और सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और दोस्तों, पांचवें नंबर पे इमैच्योर लोग खुद मेहनत नहीं करते हैं, वो जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हैं, उनकी फील्ड का बंदा या उनके मोहल्ले का, उनके रिश्तेदार जिसके साथ उसकी काफ़ी बातचीत है या उसकी तरफ वो देखता है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस है, अगर वो ग्रो करता हुआ आगे निकल गया है तो खुद मेहनत करके उससे आगे नहीं निकलेंगे। उससे आगे तो चलो छोड़ो, खुद मेहनत नहीं करेंगे, यहीं पे रहेंगे तो उसकी टांगे खींचेंगे कि किसी तरह उसकी बुराइयां करके, उसका किसी तरीके से टांगे खींच के उसको नीचे कर दो, तो लोग जब देखेंगे कि वो नीचे है ये ऊपर है तो मेरी इज्जत बन जाएगी। ऐसे लोग कभी भी ऊपर नहीं जा पाते हैं, ये उनकी बस गलत फहमी होती है कि किसी की टांगे खींचेंगे वो नीचे आएगा और हम ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे। ये इमैच्योर लोगों का काम होता है, जो सारी ज़िंदगी ऐसा सोचते रहते हैं, जलते रहते हैं और ऐसे ही मर मुर जाते हैं। ठीक है, और जो मैच्योर लोग होते हैं वो अपने काम पे फोकस करते हैं, मेहनत करते हैं, वो किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करते। हाँ, देखते ज़रूर हैं कि यार उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो मेरे से ऊपर जाता जा रहा है, हाँ ये वाली क्वालिटी मैं अपने अंदर पैदा कर लेता हूँ। अपने अंदर पैदा करते हो तो बहुत आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 टिप्स, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप भी मैच्योर बन जाएंगे, यानी कि समझदार बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।